कुरान पढ़ा जा रहा है और रहमान अल्लामा कुरान खलकल इंसान अल्लामा बयान। फरिश्तों ने कहा वाह वाह क्या खूबसूरत कलाम है, वाह वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, वाह वाह पढ़ने वाले अल्लाह करीम है, वाह वाह कैसा पढ़ा जा रहा है। कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान करीम की तिलावत हो रही थी, फरिश्ते कुरान को सुन रहे थे, कुरान को समाज कर रहे थे। फरिश्तों ने कहा वाह क्या खूबसूरत जुबानी होगी वो जिन जुबानों से ये कुरान पढ़ा जाएगा, क्या खूबसूरत लब होंगे वो जिनसे कुरान निकलेगा, क्या खूबसूरत सीने होंगे वो जिन सीनों में ये कुरान जाएगा। आज वो खूबसूरत जबानें भी आपके सामने है, खूबसूरत दिल भी आपके सामने है, खूबसूरत बच्चे भी आपके सामने है। आप तशरीफ रखें, सारे लोग तशरीफ रखें। अल्लाह के हम लोग का नज़ूल है, अल्लाह का करम और फजल हमारे ऊपर आ रहा है। एक बात आपके सामने जिक्र करने चला हूँ, अपने दिल के कानों की खिड़कियाँ खोल के सुनो, अपने कानों को मुतवज्जे करो। कुरान कितनी अजमत वाली चीज़ है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाला ये कलाम ये कितनी अजमतों और शर्फों का मालिक है। एक शायर है जिनका नाम है बद्र नबी के उस्ताद है। एक दिन शागिर्दों ने पूछा उस्तादी आपके मुँह से खुशबू आती है, आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फरमाया कि शागिर्दों मैं कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोई चीज़ खाता पीता नहीं हूँ। शागिर्द कहने लगे कि आपके मुँह से खुशबू क्यों आती है। एक दिन शागिर्दों ने इकरार किया, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि मेरे बच्चों मैं आज आपको बता ही देता हूँ मेरे मुँह से खुशबू क्यों आती है। कहने लगे कि एक दिन मैं सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे आका की ज़ियारत हुई, मेरे आका ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, मेरे आका ने फरमाया कि आप इस मुँह से इस कुरान करीम की तिलावत करते हो, या आ जाओ मैं आपके लबों को बोसा देता हूँ। फरमाया कि जब से मेरे आका ने मेरे लबों को बोसा दिया है मैं कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुँह से खुशबू आती है, बात करता हूँ मुँह से खुशबू आती है। कुरान खुशबू ही खुशबू है, कुरान रहमत ही रहमत है, कुरान बरकत ही बरकत है। अल्लाह आपको मुबारक करे, इन आपदों को मुबारक करे, इन वालदेन को मुबारक करे, इदारे वालों आपको मुबारक बात करे। अरे मुस्तकीम का आप देख लीजिए, आप जो मेहनत करते हैं आपके सामने है, अल्लाह की दात इन बच्चों के ऊपर, इनके वालदेन के ऊपर, यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों पर इन अपनी रहमतों को नज़ूर कर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबके साथ अपनी रज़ा का ऐलान करवा दे। ऊँची आवाज़ से आमीन कीजिए। आमीन आमीन। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान पढ़ा, फारूक आज़म ने कुरान पढ़ा, उस्मान बिन नूरैन ने कुरान पढ़ा, अली अकबर सुल्तान ने कुरान पढ़ा, 1,30,000 सहाबा ने ये कुरान पढ़ा। मेरे पास सब की किल्लत है, वरना मैं कुरान करीम पढ़ने वाले उस्ताद का नाम बताता कि मैंने कुरान किससे पढ़ा, उस उस्ताद का नाम बताता उसने किससे पढ़ा। मैं ये तरतीब चलाते चलाते पूरे नाम जिक्र करके नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाता, सहाबा का जिक्र भी बीच में आता, मुझे अपने कुरान करीम की सारी सनद जुबानी याद है कि मैंने कुरान किससे पढ़ा, मैंने किससे पढ़ा, उसने किससे पढ़ा, किससे पढ़ा, कहाँ तक चलते चलते साबा तक बात पहुँचती है, साबा से ताबीन तक बात पहुँचती है, ताबीन से साबा तक पहुँचती है, और साबा से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, और मोहम्मद अली से जिब्राइल अमीन तक पहुँचती है, और जिब्राइल अमीन से ये बात होकर अल्लाह तक जा पहुँचती है। हमें अपने कुरान की सनद भी याद है, हमें अपने पैगंबर से बड़ी वजीज की सनद भी याद है, हमें इस बात के ऊपर फख्र ही फख्र है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमने नबी पाक का फरमान पाक है ये सुना, हमने नबी पाक का फरमान पाक है ये सुना, हाफिज के वालिदैन को, हाफिज के वालिदैन को देखोगे ताज लगा हुआ। सो आबिदों से इक्तफ़ा शैतान पर भारी पड़ा, सो आबिदों से इक्तफ़ा शैतान पर भारी पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी उलमा के साथ बिठा दिया। शुक्र है तेरा, शुक्र है ये प्यारे
प्यारे असातिज़ा जिनकी मेहनतों का है ये सिला। ये है प्यारे प्यारे असातिज़ा जिनकी मेहनतों का है ये सिला। मेरे साथ है इनकी दुआ, तौफीक दे तू मेरे खुदा। तेरा शुक्र है, तौफीक दे मुझे ए खुदा, हो तेरी रजा में मेरी रजा। तौफीक दे मुझे ए खुदा, हो तेरी रजा में मेरी रजा। रखे जहाँ जिस हाल में, रखे जहाँ जिस हाल में, तेरा शुक्र करता रहूं अदा।